देखिए आप सबसे पहले तो आप जितना भी हैं मीडिया बंधु को नमस्कार। हमारे यहाँ पियोंग में आज हर जगह से अलग अलग विभिन्न पार्टी से, जैसे कि एनसीपी से, आईएनसी कांग्रेस से आया है, फिर आम आदमी पार्टी से, लेकांग, नामसाई और वाकरो से भी, तो बीजेपी में शामिल हुआ है। और हम लोगों ने उनको खुला दिल से स्वागत किया है। हमारे आदरणीय डीसीएम सर के उपस्थित में, आदरणीय मान्य सांसद तापिर गांव जी का उपस्थित में, और हमारे नामसर के विधायक तथा इस बार के पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जिग्नू नामचुम जी का, और हमारे जितने स्टेट ऑफिस बेयरर है पार्टी के, भाजपा के, और यहाँ के मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता का, सब ने उनको स्वागत किया है। उन लोगों का एक, जो भी विरोधी दल यहाँ आया है तो उनका साथ विचारधारा का लड़ाई है, विचारधारा नहीं मिल रहा है। भाजपा का जितना भी डेवलपमेंटल काम को देखते हुए, पिछला 10 साल का केंद्र में शासित जो हमारे भाजपा सरकार का जो कामकाज हुआ है, और हमारे भाजपा का जो विचारधारा है, और राज्य में प्रेमा खांडू जी का और हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम जी का नेतृत्व में जो सरकार जो चल रहा है, इन सब का कामकाज को देख करके पार्टी का विचारधारा को पसंद करते हुए उन्होंने हमको यहाँ आज योगदान दिया, साथ दिया। और आगामी जो 2024 के जो चुनाव, लोकसभा और विधानसभा जो 19 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है, उसमें सहयोग करेंगे, भरपूर समर्थन दिया है। धन्यवाद सर। ये रिसेंटली ये एनसीबी के जो नमसाई कैंडिडेट है मिस्टर विकास आया, उसने नमसाई के आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जहाँ पे आप कंटेस्ट कर रहे हैं, एंड देन चौखम कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से आदमी लोग आके नमसाई को सपोर्ट कर रहे बता रहे थे, एंड देन प्लेइंग कम्युनल कास्ट खेल रहे नमसाई के, जो अभी आप लोग का पार्टी से जो कंटेस्ट करने वाले हैं मिस्टर जिंगू नामचुम, उसका ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। हम लोग पार्टी की तरफ से इसको खंडन कर रहे हैं। और देखिए, इनके पास जो है ना, ये कहने के लिए मुद्दा नहीं है। हम लोगों के पास, पब्लिक के पास, हम एक ही मुद्दा को लेके जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट पिछला 8 साल में हमारी सरकार ने जो किया, और 10 साल में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएँ किया, जो भी गरीब कल्याण के लिए काम किया है, उसको लेकर के, अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हम जो वोट के लिए या प्रचार प्रसार में हम लोग उतरे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए शब्द नहीं है, या फिर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ का डेवलपमेंट नमसाई को तो आंखों देखी है, पब्लिक को पता है। आप घूम के दिखाओ, मीडिया वालों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग भी घूम घूम के दिखाइए। यहाँ का रोड रास्ता देखिए, पानी का देखिए, गाँव में सड़कें देखिए, या फिर जितने भी सेंट्रल का जो स्कीम है, आवास योजना में घर देखिए, आपका जेजेएम में पानी का टंकी देखिए। हर गाँव से तो हर जितना भी विकसित होना चाहिए, नमसाई बाकी और डिस्ट्रिक्ट से भी तो कितना आगे निकल गया एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, तो डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है। तो मुद्दा नहीं है उनके पास, तो अभी इधर उधर की बात करके, चाहे वो कम्युनल का हो या फिर हो दूसरा कुछ अन्य उपप्रचार कर रहे हैं, जैसे कि मिसगाइड मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। तो मैं यही आपके माध्यम से दरखास्त करना चाहता हूँ, हर पब्लिक यहाँ का नमसाई तथा हमारे लेकांग के वासियों को, कि आप लोग गलत राहों पर नहीं जाएँ। आपका जो वोटिंग राइट है, आपका जो कीमती वोट है, हमारे सरकार का साथ समर्थन दीजिए, हमारे भाजपा पार्टी को, हमारे भाजपा सरकार को साथ दीजिए। निश्चित रूप से हम आने वाला समय में सरकार भी गठन करेंगे, राज्य में भी करेंगे, केंद्र में भी करेंगे, तथा लोगों के लिए काम जो भी है, डेवलपमेंट का काम, गरीब कल्याण के लिए काम को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। और मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, मैं हर नागरिक से यही पार्टी का तरफ से मैं उनको अनुरोध करना चाहता हूँ, उनके विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे भाजपा पार्टी के साथ में समर्थन जताइए, समर्थन दीजिए और विजय कराइए। धन्यवाद सर। और एक और लास्ट क्वेश्चन सर, ये शायद आपको मालूम नहीं होता होगा सर, लेकिन ये आप लोग का बीजेपी का वर्कर्स प्लस सपोर्टर्स ना सर, ये कहीं ना कहीं ये प्रेस को लेके, वो लोग प्रेस का इंटीग्रिटी का ऊपर क्वेश्चन सवाल पैदा कर रहे हैं कि प्रेस आर बींग बायस, और प्रेस को कई एरिया में रिपोर्टिंग करने के लिए वो लोग फ्री मूवमेंट नहीं करा। तो सर आपका नॉलेज में नहीं होता होगा, बट आपको नहीं लगता कि अगर आपका पार्टी वर्कर्स प्लस या आपका सपोर्टर्स अगर ऐसे करते हैं तो इट्स लाइक ये फ्री प्रेस का वो जो होता है राइट्स ना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मीडिया अपना अपनी तरीके से अपना काम कर रहा है, कि अब बायस ना बायस का आपको इतना पता नहीं है, लेकिन जितना दिखाना चाहिए, जितना बोलना चाहिए, मीडिया अपनी तरीके से अपने काम को सही तरह से कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।